अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद अशरफ। मैं मोहम्मद मैकू। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल का। आप हमारी वीडियो के चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अलोक सर की वीडियो है, वीडियो का टाइटल MBS ने दिया पाकिस्तान को 440 वोट का झटका। क्या कर दिया होगा MBS? खैर वीडियो देखेंगे, सारी जानकारी वीडियो में मिलेगी। बल देख तो वीडियो फिर इस पर बात करते। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका भाई सऊदीया। अच्छा जी, चले देखते हैं भाई कैसा झटका लग गया है। हाँ, अगर हकीकतन पूछे तो पाकिस्तान को एक और ज़ोरदार झटका जो है वो नज़र आया है, क्योंकि अब दुबई और ईरान के बाद सऊदी अरब ने भी जो है वो 96 घंटे के लिए इंडियंस के लिए जो है वो वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। वो चाह रहे हैं कि इंडियंस की तादाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरब के अंदर बढ़े। आखिर क्या वजह है कि हर कंट्री डे बाई डे जो है वो सुनने में आता है कि इंडिया के लिए अपना वीज़ा जो है वो फ्री करता जा रहा है। इस हवाले से चलूँगा, चलकर पाकिस्तानी आवाम से बात करूँगा। आपकी क्या राय आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएँ। मेरे साथ इधर एक पाकिस्तानी भाई मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है। क्या करते हैं जुनेद भाई आप? मैं CSS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। माशाल्लाह, CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है वो आप देने जा रहे हैं। बहुत कम पढ़े लिखे लोग जो है वो पाकिस्तान में हमें नज़र आते हैं। मेरा बेसिकली सर आज जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो वीज़ा फ्री एंट्री के हवाले से। अगर देखा जाए तो पिछले दिनों खबर ही आई थी कि दुबई ने जो है 5 साल के लिए इंडियंस के लिए मल्टीपल वीज़ा जो है वो ऑफ़र की है। इस हवाले से अगर देखा जाए ईरान ने वीज़ा फ्री ऑफ़र जो है वो इंडियंस के लिए कर दी थी, अब सऊदी अरब ने भी 96 घंटे के लिए जो है वो इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी, किस तरह देखते हैं कि इंडियंस के लिए हर कंट्री वीज़ा फ्री करती जा रही है? यह सबसे मसला बड़ा जो है ना यहाँ पे दिखता है, उसका मेन इशू यही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ओके। यहाँ मुईशत का बेड़ा घर को रखा है। ओके। ठीक है ना। दूसरी तरफ हम इंडिया को देखें तो वहाँ के जो लोग हैं या उन्होंने जिस तरह मोदी साहब ने अपने मुल्क को डेवलप कर रखा है, उसने अपना सॉफ्ट इमेज इतना बहुत अच्छा बना रखा है, ठीक है। और पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है ना वो बहुत ही बुरा जा रहा है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान के साथ अपना ट्रेड करना चाहता है ना कोई काम करना चाहता है। उनको पता है यहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ हैं, बहुत सारे और भी इशूज़ हैं जिस वजह से पाकिस्तान के साथ कोई भी ना काम करना चाहता है ना। वो उनको लगता है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं ना वो सारे के सारे दहशत गर्द हैं। इसी तरह पाकिस्तान के लिए उन्होंने और भी बहुत सारे हमारे मतलब सिटीज़ आते हैं जिनमें इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। गुजरात के कुछ टाइम के लिए उन्होंने क्या कर दिया था कि बैन कर दिया था लोगों के लिए, और उसके लिए अलावा मुजफ्फरगढ़ आता है एक मुल्तान के साथ आता है, तो उनके लोगों के लिए भी उन्होंने क्या कर दिया था, वीज़ा बंद कर दिया था खासकर, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग वहाँ पर आके क्या करते हैं, मांगने वाला काम करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जहाँ हमें हमारी सियासतदान जो है ये बताते हैं कि हमारे बड़े दरीना ताल्लुक आते हैं, पहाड़ों की चट्टान से ज़्यादा मजबूत हैं, वहाँ पे अगर देखा जाए जो वीज़ा फ्री एंट्री है उसके लिए पाकिस्तानी महरूम है। पाकिस्तानियों को आज भी जो है वो अपने पड़ोसी कंट्री ईरान की अगर बात की जाए वहाँ जाने के लिए वीज़ा लगाना पड़ता है। एक बहुत से लोग हैं जो ज़ायरीन हैं जो ज़ियारात वगैरह के लिए पाकिस्तान से ईरान का रुख करते हैं, वो भी आज वीज़ा जो है वो ले कर जा रहे हैं। जबकि अगर इंडिया की बात की जाए तो उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है। सऊदी अरब अगर हज की बात की जाए, आज भी पाकिस्तान से जो बंदा हज करने के लिए दिया जाता है उसको कॉस्ट भी ज़्यादा देनी पड़ती है, टिकट भी उसका महंगा है और उसको वीज़ा भी लेना पड़ता है। जबकि इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया से जाने वाले के लिए जो है वो कॉस्ट कम है। आखिर क्या बात है, ये कैसे हमारे दोस्त हैं जो कि फेवर तो इंडिया को दे रहे हैं लेकिन हमें ये बताया गया ये हमारे बेहतरीन दोस्त हैं? भाई आप देखें ना, हमेशा ये होता है जो भी स्ट्रेटजी चल रही होती है ना उस पर ये होता है कि कुछ दो कुछ लो, ठीक है। पाकिस्तान में कोई ऐसे हालात ही नहीं है कि पाकिस्तान उनको कुछ दे। जब पाकिस्तान उनको ना तो कुछ दे सकता है तो फिर उनसे लेगा कैसे? पाकिस्तान तो जब भी जाता है उनके पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है, उनसे कुछ लेता है। जब पाकिस्तान का कोई भी वजीर चला जाए, फॉरेन मिनिस्टर बाहर चला जाए या दूसरे लोग भी चला जाए, उनको लगता है ये भिखारी लोग हैं, ये ऐसे वैसे, उनकी इमेज हमारी बहुत ही ख़राब हो चुकी है। लेकिन सर अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये सारे इंडिया पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इंडिया की जो इकानमी आप देखें दुनिया के इस टाइम तीसरी बड़ी इकानमी बन चुकी है, तो वो जो भी उनके साथ कोई भी ट्रेड करते हैं कोई एग्रीमेंट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं उनको। जब वो उनको कुछ देते हैं तो फिर उनसे कुछ लेते हैं। तो जब उनका सॉफ्टवेयर में इतना अच्छा बन चुका है, अब ये और बात है कि हम पाकिस्तानी उनको देखते हैं कि हमारे एज अ मुस्लिम ब्रदर के साथ बहुत ज्यादा वहाँ पे जुल्म किया जा रहा है, उनके साथ मतलब बहुत ज्यादा उनके हालात बहुत खराब है। लेकिन इंडियन मुस्लिम्स को पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ या मैं अक्सर पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ, वहाँ पे इंडिया से जो मुसलमान
मेहमान आके मेरे साथ बात कर रहे होते हैं वो तो इसके बिल्कुल बरक्स बताते हैं जो पाकिस्तानियों को बताया जाता है। सर आपको नहीं लगता ये भी उसी तरह है जिस तरह सऊदीया के साथ दरीना ताल्लुकात, ईरान के साथ बड़े प्यारे ताल्लुकात जो हमें बताए गए हैं, लेकिन जब हम हकीकत देख रहे हैं तो उसके ऑपोजिट हमें नज़र आ रही है। इसी तरह मतलब इस चीज़ में भी कोई मतलब क्वेश्चन उठाया जा सकता है? देखे ना सर, हर बंदा जो जहाँ पैदा होता है तो वो अपने मुल्क के साथ लयाल तो होता ही होता है, ठीक है ना। लेकिन दूसरी बात ये भी तो है ना, आजकल आप अगर हालात देखें, ठीक है, इंडिया क्या करता है अपनी सारे, जिस तरह हम एक मार्केटिंग कर रहे होते हैं ना, ये भी अपनी मार्केटिंग कर रहा होता है बाहर की तरफ, ठीक है। सर हम क्यों नहीं कर लेते, हम भी कर लें? हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम तो हैं चोर, हम खाते हैं जो चीज़ हम लेते हैं वहाँ से, उनसे वो अपने ऊपर लगा लेते हैं। मतलब लगाने का तो बात ये आप कह रहे हैं कि जो जिसका लेके खाएगा वो उसके एंटी नहीं बोल सकते? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब हम उनसे लेकर आते हैं, वो कहाँ जाता है? जितना भी हम पैसा उनसे लेकर आते हैं वो सारे का सारा हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी हैं दूसरे लोग हैं जो भी मतलब बड़े बड़ी सीटिंग के ऊपर बैठे हुए हैं उनके अंदर डिवाइड। अब मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान तबाहो बर्बाद क्यों हो रहा है। ये बंदा सीएसएस की तैयारी कर रहा है, मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, जैसे हमारे पास यूपीएससी है। आप लेवल देखो इस बंदे का, इसको सिचुएशन को एनालाइज करने का इसका तरीका देखो, इसका स्टैंडर्ड कितना लो है किसी सिचुएशन को एनालाइज करने का। मैंने कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं की, लेकिन मैं इससे बेटर सिचुएशन को एनालाइज करता हूं, इससे बेटर मैं अपने ओपिनियन दे सकता हूं। सिविल सर्विसेज में ओपिनियन बहुत मायने रखती है कि आप किसी घटना को, किसी जगह को, किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि जो नजरिया आपका होगा देखने का आप उसको डील भी वैसे ही करोगे। तो क्या आपका नजरिया सही पाथ पर है? क्या आप सही रास्ते जा रहे हो जिससे ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन, ये चीज डील की जा सकती है? या आप उस सब्जेक्ट पर गहरी पकड़ रखते हो, आप समझते हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है या एक्चुअल सब्जेक्ट में कहा क्या जा रहा है? अगर ये सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप यहां पर कॉन्स्टेबल की नौकरी नहीं पा सकते। हमारे यहां कॉन्स्टेबल का एग्जाम भी आपसे ज्यादा तगड़ा होता होगा। फिर मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आपकी समझ मुझे इतनी देर में दिख गई है, आपको अपनी गलतियां नजर नहीं आ रही हैं। आप ये कह रहे हो कि इकोनॉमी की वजह से दुनिया भर में भारत के रिलेशंस या भारत की जो सॉफ्ट इमेज है वो अच्छी हुई है। 100% झूठ है ये। आप कैसे एनालाइज कर सकते हो? इमेज किस चीज से बनती है? इमेज आपके बिहेवियर से बनती है, ना कि आपके पैसों से बनती है। आप इस पॉइंट को समझो, आप कितने भी पैसे वाले हो जाएं, लेकिन अगर आपकी आपके जो काम है, आपका जो बिहेवियर है वो अगर ठीक नहीं है, आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आपकी छवि अच्छी नहीं बनेगी। और इकोनॉमी में तो हम पिछले 12-13 साल से जरा टॉप 10 में घुसे हैं ना, 14 साल से मान लीजिए, 14 भी नहीं, मतलब वही 10 साल से टॉप 10 में घुसे हैं। उसके पहले क्यों हमारी इमेज अच्छी थी? उसके पहले भी हमें क्यों अच्छी नजर से ही देखा जाता था? इंडियंस की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान को तब भी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। जनाब एनालाइज कीजिए कि आपके यहां की कम्युनिटीज, आप पे पाकिस्तानी जब जाते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं दूसरे देशों में, रेडिकलाइज्ड माइंड के हैं, क्रिमिनल गैंग्स चलाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। सऊदी अरबिया तक नहीं बचा यार, अगर सऊदी अरबिया बचा होता वहां पर भी आप नहीं करते, तो आप बताओ 60-60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लटकाया जा चुका है सरेआम सऊदी अरब में। क्यों क्यों लटकाया गया बताओ? सऊदी के किंग का मन किया कि हाँ इनको लटका दो, तो लटका दिया गया? नहीं, क्योंकि आप लोगों के कारनामे ऐसे हैं, और ये आज से नहीं है, ये शुरू से आप लोग ऐसे हैं, घटिया सोच वाले, माइंडसेट बदलिए। ये सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको अभी तक यही बात समझ में नहीं आई कि इमेज अच्छी कैसे बनती है? इमेज इकोनॉमी अच्छी होने से नहीं बनती है। कि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी है तो इसलिए उसका इमेज बहुत अच्छा है, डिवाइड हो जाता है, उनकी परसेंटेज होती है कि भी आपको कितना मिलेगा, आपको कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। जब बात आती है दूसरी आवाम के ऊपर या लगाने के ऊपर, तो उनके पास कुछ होता नहीं है, फिर उनके पास जाते हैं कि सर हमें कुछ दो, हमें कुछ दो। हालात में बेहतरी किस तरह आएगी, हमारा मुल्क कैसे चेंज होगा, कैसे इस मुल्क के दिन बदलेंगे?
उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना उसको ख़त्म करनी पड़ेगी। okay. हमारे जितने भी सियासतदान हैं, अब जो भी गवर्नमेंट आ रही है, उन सबको चाहिए कि मिल बैठ के कोई भी काम करें, वो अच्छा सा काम करें। मतलब ये कि आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते भी हैं, अगर एग्रीमेंट कर दिया तो उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर आपकी गवर्नमेंट टूट रही है, नहीं टूट रही, आप उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, उनको इकोनॉमिक जोन दें। बताएं, भारत के साथ ट्रेड को आप कितना ज़रूरी समझते हैं मौजूदा करंट टाइम के अंदर? सर देखें, जितना आपका दुश्मन होता है ना, दुश्मन के साथ आप जितना ज़्यादा क्लोज रहेंगे तो आप उसकी स्ट्रेटजी को समझ पाएंगे। जितने आप उनको उनकी स्ट्रेटजी को समझेंगे तो आप उसको काउंटर भी दुश्मन ही क्यों मानते हैं कि इसको प्यार मोहब्बत में नहीं बदला जा सकता? कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं लाई जा सकती जिसमें नफरतों को ख़त्म किया जाए? वो तो इसीलिए लाया जा सकते हैं ना, जब हमारा एक जो अपना चल रहा है एक डिस्प्यूट, इसको ख़त्म करेंगे, जब वो ख़त्म होगा तो तब हो सकता है ना। अब देखें ना, इंडिया में अगर आप चले जाएं, यही सर्वे आप इंडिया में करें, तो वहाँ के जितने भी लोग हैं ना, वो पाकिस्तानी को ज़रा भी लाइक नहीं करते, क्योंकि उनको एक फर्स्ट क्लास से लेकर मतलब जितने भी उनका एजुकेशन लेवल है उनके अंदर ये बताया जाता है उनको, मुस्लिम जो है हमारे खासकर पाकिस्तानी, ये हमारे अगेंस्ट हैं, तो किस तरह ये लाया जा सकता है? ठीक है ना, इसके तो CSS की तैयारी कर रहा है ना, अगर मेरा ये वीडियो देखे शर्म आएगी तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइयो। तूने कहा कि क्लास एक से लेकर ऊपर तक पाकिस्तान के खिलाफ पढ़ाया जाता है, तो मुझे एक किताब दिखा दे सबूत के तौर पर, भारत में पढ़ाई जाने वाली एक किताब दिखा दे जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कोई बात लिखी गई हो। एक किताब पढ़ के बता दे, मान जाऊंगा मैं तुझे, और मैं तुझे गिना सकता हूं, सबूत दे सकता हूं कि पाकिस्तान की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है। आपकी किताबों में हिंदुओं से नफरत पढ़ाई जाती है, आपकी किताबों में भारत को बुरा बताया जाता है, आपकी किताबों में यहूदियों को बुरा बताया जाता है, सारे नॉन मुस्लिम्स को बुरा बताया जाता है, सिखों को बुरा बताया जाता है, और मैं सबूत दे रहा हूं, देख लो, देखो सबूत। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मेरे पास जो है ना वो मुआशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है, और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बदले के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था, औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी के इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये, हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हकूक हासिल हैं शायद ही कहीं हासिल। जितनी खराबी हो सकती है पाकिस्तान की तालीम में सो है, इसलाह कैसे की जाए? एक तो जो आप वही पढ़ाएं जो बाकी दुनिया में पढ़ाई जाती है, फिर आप अपनी किताबें खुदा के वास्ते ना लिखवाएं, क्योंकि जो लिखने वाले हैं ना, जो हमारे मुसन्निफीन हैं, वो जाहिल हैं, जाहिल हैं। मैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का रुकन था, फिर निकाल दिया उन्होंने मुझे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप किताबों को रिव्यू करें, और जो मैं रिव्यू करता चला गया तो मेरे आंसू टपकते गए कि खुदारा आप सिंध के बच्चों को ये बकवास पढ़ा रहे हैं, साइंस के नाम पे, तारीख के नाम पे, इंग्लिश के नाम पे। देख लिया, अब मुझे तू एक किताब बता दे, CSS की तैयारी कर रहा है ना, एक किताब दिखा दे भारत की जिसमें ऐसी बातें पढ़ाई जाती हूं। तू मुझे एक बंदे की बात सुनवा दे जो कह रहा हो कि भारत की किताबों में नफरत पढ़ाई जाती है पाकिस्तान के खिलाफ। वह प्रोपेगेंडा मत कर, प्रोपेगेंडा से बाहर निकल, CSS की तैयारी कर रहा है तू, भविष्य है पाकिस्तान का, और गारंटी देता हूं CSS तेरा नहीं निकल पाएगा, गारंटी। इसके लिए ये तो एज अ पाकिस्तानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, 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 सर, आपने वहां पे देखा है उधर के लोग, उनके लोगों को आप उनका सिलेबस उठा के देख ले। अच्छा, क्या है सिलेबस में? सिलेबस में यही है कि पाकिस्तान जो है ना हमारे अगेंस्ट ये साजिशें करता रहता है, कॉन्स्पिरेंसी करता है, ये करता है, वो करता है, मतलब उनके बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को भी यही चीज़ पढ़ाई जाती है। ठीक है, और दूसरा उनके अपने भी ऐसे लोग हैं जो मतलब अच्छे अच्छे सियासतदान, उनके पॉलिटिक्स बहुत लेवल के हैं। ठीक है, वो उन्हीं को पढ़ाते हैं कि उन्होंने किस तरह इनको काउंटर किया है, मीन्स ये कि हर बात उनकी, आप उनकी बात कर रहे हैं तो थोड़ा पाकिस्तान का भी बता दें, यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, और इधर का जो एक नौजवान तालिबे इल्म है, जो बच्चा है, वो इंडिया के बारे में क्या सोच रखता है?
देखें इंडिया के बारे में हम तो नहीं सोचते कि अभी वो गलत है, देखा जाए वो हमारे बारे में गलत सोचते हैं। हाँ, क्योंकि वो उनको चाहिए भी सोचना है तो सोचते रहे, है ना, हम सोच नहीं सकते। क्यों नहीं सोच, इधर आपको बेशुमार ऐसे लोग दिखा सकता हूँ जो बात ही नहीं करना चाहते इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर, जो इंडिया का नाम सुनना पसंद नहीं करते। सर ऐसी इतना बड़ा मक्कार है भाई तू, इतना बड़ा झूठा है तू, इतना बड़ा झूठा है। तेरे यहां बच्चे क्या सीखते हैं, घरों में भी, स्कूल छोड़ दो, घरों में भी और स्कूलों में भी। मैं उसकी एक झलक दिखाता हूं तुझे, देखिए। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। के इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है ये? जी वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन क्यों है, क्यों हम इतनी नफरत करते हैं? कश्मीर को मारता है, मुसलमानों को मारते हैं। यार मुसलमानों को मारते हैं और जुल्म कहाँ देखते हैं? कश्मीर में जुल्म करते हैं। कहाँ देखते हैं? टीवी पे देखते हैं। इंडिया वाले पर मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, मारते हैं उन्हें, उन्हें उनके घर में जाके उन्हें मार, मदद नहीं करने देते, उन्हें मस्जिद जाने से रोकते हैं। अपनी आजादी तक हम जंग लड़ते रहेंगे और इंडिया को बताएंगे कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसकी खातिर लड़ेगा और अपने खून जख्म बहा देंगे। जो इंडिया है वो कश्मीर पे बहुत अरसे से ना जुल्म कर रहे हैं। ये थोड़ा सा तो मैंने अपने दादा से उन्होंने बताया था, कि दादा ने मुझे बताया था ये चीजों का, और थोड़ा सा मैंने टीवी पे ये देखा था जब वो डे आता था। देख लिया तूने? भारत के बच्चे ऐसा नहीं करते, क्योंकि भारत के बच्चों को नफरत नहीं पढ़ाई जाती। और तूने दावा किया, अगर एक बाप की औलाद है तू, एक बाप की औलाद है, दोगला नहीं है तू, तो सबूत लाके दिखा, इसी चैनल पर सबूत लाके दिखा कि देखो भारत की किताबों में पढ़ाया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ कि ये बहुत बुरे हैं और ये साजिशें करता है और ये करता है वो करता है, ला के दिखा दे अगर एक बाप की औलाद है तो। ऐसी कोई बात नहीं होती, बात यह है कि अब देखे ना, वो एक डेवलप्ड कंट्री है यार, मानना चाहिए, एक रियलिटी है उसकी, ठीक है, रियलिटी से हम कैसे डिनाई कर सकते। कल मैंने एक बंदे का इंटरव्यू किया, वो कह रहा है तो है, इसका जिक्र करने की क्या जरूरत है, तुम इंडिया का नाम ही क्यों लेते हो? तो यार ऐसे आप लोगों को लेसन नहीं मिल रहा, आप लोगों को क्यों नहीं सीखते ऐसे कि भी एक आपके अगेंस्ट कंट्री जो आपके अगेंस्ट बैठा हुआ है वो जब भी चाहता है आप लोगों के साथ जो भी कुछ करना चाहता है वो कर सकता है, तो तुम लोग भी ऐसा कुछ करो, क्यों नहीं कर सकते? अगर उनका नाम क्यों नहीं करते कि मतलब वो आगे बढ़ गए हैं और हमें जरूरत है बहुत ज्यादा डेवलप होने की, तो हम आज भी ये सोचते हैं कि अगर मुकाबला हो गया तो ऐसी तैसी कर देंगे, चीरपाड़ कर देंगे। ये मुकाबला कोई नहीं होते, अगर मुकाबला हो भी जाए ना, ठीक है, न्यूक्लियर पावर हैं हम, कुछ हो सकता है, ये नहीं है कि हमारी आर्मी बैठी हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अंडे बेच रही है यहाँ पे, या कोई, ठीक है उनके बिजनेस चल रहे हैं, हमारा इमेज सही नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ये देखें और जो इस तरह की स्टेटमेंट है कि टोटल 10 मिनट के लिए अगर बॉर्डर खोल दें तो पाकिस्तान को 10 मिनट टोटल लगेंगे, इस तरह की स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत गलत बात है, जो भी ये सोचता है वो फिर पता नहीं तीसरी दुनिया में रह रहा है कहीं। सर आपको नहीं लगता पाकिस्तान में ज्यादातर लोग तीसरी दुनिया में ही रह रहे हैं? मैं आपको इसका एक और सबूत देता हूं, पाकिस्तान के एक बड़े नामी आदमी है, फॉर्मर डायरेक्टर शायद FBR के, चेयरमैन रह चुके हैं FBR के शायद, उनकी बात सुनवाता हूं मैं कि पाकिस्तानी फौज क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि पाकिस्तानी फौज क्या है और भारत को लेकर उसकी सोच क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, सुनिए। क्या आपका प्रिमाइस क्या है, इंडिया से लड़ना है? सवाल बताओ, जवाब बताओ ना पहले। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस, अरे यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, उसका बजट आपसे 7 times है, आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता सर। तो फिर तो अगर नहीं लड़ना नहीं चाहते, चलो बराबरी करना चाहते हो? ख्वाहिश तो है। तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं? नहीं है ना। तो ये जो मैंने शुरू में बात की थी, ये प्रवाहित दिमाग से निकाल दो कि आप इंडिया से लड़ सकते हो, ये मान लो कि नहीं लड़ सकते, आप जंग चाहते हो? सर जंग कौन चाहेगा यार, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, जंग क्यों होगी, किस बात के ऊपर जंग होगी, क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को, तुम किस दुनिया में बैठे हो?
टाटा कंपनी का, टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का, इंडियन कंपनी का, एक टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है। आप कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो, खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे, क्या बातें करो यार। सुन लिया भाई साहब, यह है पाकिस्तानी फौज की औकात, यह है पाकिस्तानी फौज की असलियत। और अगर आपको ये बातें झूठ लग रही हैं तो कोई एक बंदा जाकर उठकर पूछे अपने आर्मी चीफ से कि 76 ईयर से तुम कह रहे हो कि हम कश्मीर छीन लेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर को पाकिस्तान बनाएंगे, क्या आधा इंच कश्मीर ले पाए हो? उसके चक्कर में 71 में अपना आधा मुल्क गंवा चुके हो, सियाचिन गंवा चुके हो, और क्या क्या गंवाओगे, इकॉनमी गंवा चुके हो, और क्या गंवाना है हिम्मत जाके पूछो कि कश्मीर अब तक क्यों नहीं आया 76 ईयर्स में? पता चल जाएगा तुम्हें। वो दो लोग इसी दुनिया में रह रहे हैं जिनका दिमाग ही काम नहीं करता यार, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, उधर तो हम चुप ही हैं, ठीक है ना। अब देखें ना, एक रियलिटी जो है ना, वो रियलिटी रियलिटी है, वो भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर है। ओके। तो दोनों टक्कर के हैं और पाकिस्तान ने टक्कर के हैं दोनों। हाँ, टक्कर के हैं। सर क्या वजह है अगर टक्कर के हैं तो पूरी दुनिया इस टाइम जो है वो अपना झुकाव भारत की तरफ कर रही है, और पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूँ तो किसी कंट्री के प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो पाकिस्तान का दौरा तक भी नहीं किया। वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमारा पॉलिटिक्स जितने भी हुए हमारे इधर ये इन्वॉल्व होते हैं, ये जाते हैं बाहर से ही, साहब कुछ उनके पास से बात करके आ जाते हैं। अब ये रिकॉर्ड हो रही है, अब मैं उठाया भी जा सकता हूँ। लेकिन ये बताएं टक्कर के किस तरह हैं? टक्कर के यही हैं कि अगर वार के अगेंस्ट आप देखें, सर हम $1 अरब के लिए IMF के पीछे जाते हैं और भारत श्रीलंका को डिफॉल्ट होने के लिए बचाता है तो $1 अरब जो है वो श्रीलंका को दे देता है। ये नहीं है बात, टक्कर की इसलिए आती है जब हमारी अपनी सॉवरेंटी के ऊपर बात आती है। आप मुशर्रफ का दौर देख लें, कितने दिन के लिए वहाँ पे वार लगी रही, मतलब उनकी 7 लाख फौजें हमारे इधर पाकिस्तान की, मतलब टोटल कुल मिला के ना टोटल आर्मी के नौजवान वहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहे, और पूरी दुनिया को पता है एटमी पावर जो भी है इनके कितने नुकसान कितने हो सकते हैं। लेकिन सर बहुत से लोग ये भी कहते हैं जो मौजूदा करंट टाइम चल रहा है इसमें इकॉनमी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, और हर कंट्री जो है अब वो हथियारों के साथ जंगे नहीं होंगे, अब इकॉनमी में जो है दूसरी कंट्री। भाई तो एक बात बता, तो क्या 99 में पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं था, क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया? और परवेज मुशर्रफ तुम्हें 20 साल और पीछे करके गया करगिल वॉर की वजह से, तुम्हें आइडिया नहीं है? CSS की स्टडी कर रहे हो, जाके ढंग से स्टडी करो, बड़ी कमजोर तैयारी तुम्हारी लग रही है भाई। या हो सकता है पाकिस्तान का स्टैंडर्ड CSS का इतना लो हो कि इसमें भी ये पास हो जाए, ये भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड इतना लो है कि भाई पास होना ईजी है, यही सब बोल के पास हो जाएगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि प्रोपेगेंडा और झूठ पर ही तो पाकिस्तान टिका हुआ है। करगिल में क्या हुआ था ISI के फॉर्मर चीफ की जुबानी सुना देता हूं कि परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, सुनिए। कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो क्योंकि हमारी फौज को स्पाइक होनी। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नते करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी, ने देखा ना कि वहां तो तुलोलंग भी गिर गया, उसके बाद ये सारा इसको बुखार चढ़ा। तो तुलोलंग मेरा ख्याल है 2 तारीख को ही गिरा था। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड के जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं, और जू ही वो चले गए इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला, बहुत दोगला और झूठा। अगर तू मेरा ये वीडियो देख लेगा ना भाई तो तेरी नॉलेज ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरा वीडियो जरूर देखियो और तेरी नॉलेज बढ़ेगी, तो शुक्रिया अदा कर दियो कि इसमें भारत के एक बंदे का बड़ा योगदान रहा है। चश्मा हटा, पर्दा हटा, सच्चाई को पढ़ समझ, वरना कुएं का मेढक बना रहे भाई।
दूसरी कंट्री को जेर करेगा। अगर मैं मईशत की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं, तो आपको क्या लगता है हम कितना पीछे हैं या भारत कितना आगे निकल गया? यही तो वजह है कोई हमारे यहाँ दौरा ही नहीं करता, किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट आता ही नहीं है यहाँ पे। अब आप देख रहे पैलेस्टीन की जो बार हो रही है, ये भी तो सारा इकोनॉमी का ही इशू है। आजकल नजरियात के ऊपर कोई बात नहीं होती, मेन बात यहीं पर आ रही है कि आपकी क्या इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। अब देखें जितने भी हमारे मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे पैलेस्टीन के साथ कोई भी नहीं खड़ा, सिवाय यमन के, वहाँ भी जो हूतीज हैं वो वाले खड़े हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं है। इवन के सऊदी अरब भी अगर देखें तो वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। दुबई को देख लें, यूएई, वो भी वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी हो रही है, जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट दूसरे कंट्री के अंदर होंगी उतना उसको लॉस है यार, उन्होंने पागल है वो किसी के साथ खड़े होंगे। ठीक है ना, आप अपने लोग, अपने लोगों को स्ट्रांग बनाएं, अपना एक विजन दें, लोगों को बताएं दूसरे कंट्रीज को कि भाई हम ये चीज़ कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ पास आते हैं तो। अब उनको एक इकोनॉमिक जोन दें कि भाई यहाँ पे आपके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, इनको कोई दहशत गर्दी, उनको सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड करें, ना हमारे पास आईटी है, ना हमारे पास क्या कहते हैं कोई कुछ भी नहीं है यार। हम क्या, एक तरफ तो आप ये भी मान रहे हैं कि कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मुकाबला टक्कर गए। मुकाबला सिर्फ आर्मी के बेस के ऊपर है, ठीक है ना, हमारी आर्मी के पास भी तो इतना चीज़ है कि उनके साथ मुकाबला कर सकती है। मेन जी देखें, अगर वार ये हो जाती है, ठीक है, न्यूक्लियर वार अगर हो भी गई तो जिसका मिसाइल पहले आया दूसरा कंट्री खत्म। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जिसका, जिसने एटम बम फेंक दिया दूसरा खत्म। लेकिन सर बहुत से लोग कहते हैं पाकिस्तान पे तो अब सैंक्शंस भी लगी हुई है कि वो बगैर IMF के वर्ल्ड बैंक की इजाजत। अब यार तू कौन से CSS की तैयारी कर रहा है यार, बड़ा घटिया एग्जाम हो गया पाकिस्तान में CSS का, भाई लेवल बहुत गिर गया है। तूने कभी पेपर्स पढ़े हैं जो इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर्स पर क्रिएट किए गए हैं, या तूने अपने अपने यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं तूने उनकी बातें सुनी है इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर पे क्या कहते हैं वो? अच्छा मैं तुझे सुनवा देता हूँ, उसके बाद अभी आगे और बताता हूँ, सुन। ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चहलों ने पढ़ा ही नहीं कि एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया, कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें, ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वी, ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। You have nuclear war, and one or two bombs in Pakistan will finish Pakistan, but won't destroy India. We have no need for this weapon, and if we use it, we'll destroy Pakistan. Not at all necessary. We have no nuclear threat. This stupid idea of that we are nuclear power. Who are you going to use against your nuclear weapons against? If you use one, you will get destroyed. सुन लिया भाई? सुन लिया ना? तो अपनी औकात में रहो। और दूसरी बात, तूने कहा कि मिसाइल पहले जो चला देगा, तू पहले भी मिसाइल चला देगा तो तेरा कुछ नहीं होना है, पता है क्यों? जाके फिर से पढ़, जाके पढ़ कि भारत के पास वो ताकत है जिससे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिरा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है हमारे पास, पाकिस्तान के पास नहीं है। हमारी ब्रह्मोस तो रोकी नहीं गई तेरे से, याद है? भूल गया? मियां चन्नू में जो गिरी थी ब्रह्मोस, बिना वॉरहेड के थी, और वो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस हो सकती है। और वैसे ही हमारे पास हजारों मिसाइलें हैं ब्रह्मोस की, बाकी तो छोड़ दे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस ही मार देना हम 20 न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ, रोक नहीं पाओगे और खत्म हो जाओगे। और हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जाके पढ़ भाई, CSS की तैयारी कर रहा है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है उसमें। तेरी मिसाइलें हम मार गिराएंगे, पहुंचेंगी नहीं हमारे पास। इजाजत के बगैर जो है इन चीजों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो यार देखें, अब जितना भी सैंक्शन हो, एक आप घर की एग्जांपल ले लें, एक घर का जो बड़ा बंदा होता है वो किसी साथ वाले से एक रेंट लेता है, अगर वो आके उसके घर में घुस जाएगा, ठीक है, पहले तो उसने जितना भी उसके ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, किसी ने इससे बात नहीं करनी, उसको अकेला किया हुआ है, लेकिन जब वो उसके घर में घुसेगा क्या वो बंदा चुप रहेगा?
आप ये मानते हैं इस बात को? जब ये बात आप नहीं मानते तो जब वो हमारे घर में घुसेगा तो फिर वो क्या कहते हैं उसे लास्ट पे। अच्छा तो ओसामा को मारने के लिए जब अमेरिकी सील जो है वो घुस गए घर में आपके, तो आपने क्या उखाड़ लिया भाई, क्या उखाड़ लिया? वो आए, ओसामा को ठोका, वापस चले गए, क्या कर लिया, कुछ कर पाए? लास्ट में मुझे ये बताएं, बड़ा मज़ा है आपसे बात करने का, मुझे ये बताएं मौजूदा करंट टाइम में क्या लग रहा है, कितना इस टाइम जो है वो भारत अपने आप को ग्रो कर चुका है, कितना आगे निकल चुका है पाकिस्तान की अगर बात की जाए पाकिस्तान से? यार पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है, पाकिस्तान को काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 30 से 40 लगेंगे उसके मुकाबले में जाने के लिए, 30 से 40 साल लगेंगे पाकिस्तान को। तो सर भारत इंतज़ार करेगा रुक के या भारत मजीद आगे बढ़ेगा? वो अपनी कोशिश फुल लगा है, इधर से पाकिस्तान भी करेगा तब जाके पाकिस्तान इसके मुकाबले में जाके पहुंच सकता है। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं अपकमिंग सुपर पावर में भी भारत नज़र आ रहा है। अपकमिंग सुपर पावर में चीन नहीं आ सका तो ये कैसे आएगा? ये बताएं आप मुझे, मेरा आपसे क्वेश्चन है आज तक। ये क्या बात कर रहा है, चीन अपकमिंग सुपर पावर में नहीं आया है? अरे भाई तेरा लेवल तो बड़ा लो है यार। अब तो मुझे विश्वास हो गया कि पाकिस्तान की हालत ऐसी क्यों हुई, जब वहां का यूथ जो सीएसएस की तैयारी कर रहा है जब वो ऐसे विचार रखता है तो बाकी वो 99% जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या सोचते होंगे। अफसोस हो रहा है अब मुझे, ये चीन नहीं आ सका सही, ठीक है ना, तो भारत कैसे आ सकता है सर? लेकिन बहुत सी कंपनीज जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की बात की अगर की जाए, बड़ी बड़ी कंपनीज अमेरिकन जो है वो अब चाइना से शिफ्ट करके भारत में अपने प्लांट लगा रही है। देखा नहीं है 15 प्रो मैक्स का क्या हाल हुआ है? क्या हाल हुआ है? वो हीट अप हो जाता है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग चीन से हटाई गई है, ठीक है, तो अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। सही, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं मेड इन इंडिया जो आईफोन बन रहे हैं एज अ पाकिस्तानी आपको लगता है वो फ्लॉप है बिल्कुल? पाकिस्तानी नहीं, आप वर्ल्ड लेवल पे देख लें, ठीक है, जब आप वर्ल्ड लेवल पे इस चीज़ को देखें, मैं पूरी दुनिया की बात करूंगा, कल अकेले पाकिस्तान की नहीं, ये तो फिर लोग ये कहेंगे भाई एक्सट्रीमिस्ट है, ये है वो है, ठीक है ना। देखें जो एक रियलिटी है उससे डिनाई कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है, अगर कोई दोस्त आपका यूज़ कर रहा हो, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, जो यूज़ कर रहे होते हैं उनसे आप जाके पूछ लो कि यार कैसा है, वो कहेगा सर ये हीट हो रहा है, ठीक है ना। जो 14 प्रो मैक्स है या 14 इससे नीचे जितने भी हैं, जितने भी चाइना से मैन्युफैक्चर हुए हैं, वो उनमें ऐसा कोई इशू भी नहीं है, सही, ठीक है ना। तो आप कैसे? मैंने वैसे पर्सनली इस्तेमाल नहीं किया, मैं इसलिए इस पर जो है वो कमेंट पास नहीं कर सकता, लेकिन देखने वालों को कहूँगा भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई मेरे से, अब बर्दाश्त से बाहर है चीज़ें। आप इसका लॉजिक समझ रहे हो, ये कैसी लॉजिकल बात कर रहा है भाई? उसमें भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो हीट हो रहा है, तो उससे भारत का क्या मतलब है भाई? और चाइना में ऐसी क्या चीज थी जिससे वो हीट अप नहीं हो रहा था? अरे चमन, वो एप्पल की कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग एप्पल करता है, हमने बस स्पेस प्रोवाइड किया है, फैक्ट्री एप्पल की है, चाइना ने भी स्पेस प्रोवाइड किया, फैक्ट्री एप्पल की है, उसमें टेक्नोलॉजी, उसमें मशीन है, सारी चीजें एप्पल की हैं, एप्पल ने डिजाइन किया सारी चीजें, उसमें भारत क्या कर लेगा, चीन क्या कर लेगा, गर्म होता है। अरे भाई साहब भविष्य पाकिस्तान का बड़ा सुंदर है भाई। और अली भाई आप यार, आपको काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए यार, पाकिस्तान में मैकडोनल्ड से मान लीजिए, ठीक है, अब उसके बर्गर का टेस्ट खराब हो गया है, बर्गर का टेस्ट जो है वो खराब हो गया है, तो उसमें पाकिस्तान की गलती है? अरे भाई बर्गर का फॉर्मूला मैकडोनल्ड्स का है, बर्गर कैसे बनाया जाएगा उसका तरीका मैकडोनल्ड्स का है, उसमें कौन से मसाले इस्तेमाल किए जाएंगे वो चीजें हैं, हर चीज जो उसे इस्तेमाल की जाती है बंस लेकर और बाकी सारी चीजें, वो सब कुछ मैकडोनल्ड्स तय करता है कि मुझे इस लेवल का चाहिए, अगर वो उससे जरा भी कम होता है वो इस्तेमाल नहीं करता, तो इसका दोष पाकिस्तान पर नहीं आएगा ना, उसका दोष मैकडोनल्ड पर जाएगा। अगर प्रॉब्लम है आईफोन 15 प्रो में गर्म हो रहा है तो एप्पल की प्रॉब्लम है, भारत की वजह से नहीं हो रहा वो। अरे साला चमन फिर से, वो छोड़ो यार बहुत हो गया। तो भाई की बातें मैंने सुन ली और भाई ने कमाल कर दिया, नॉलेज घसियारे जैसी भी नहीं है इसकी, और ये सीएसएस की तैयारी कर रहा है, इसके माँ बाप गलत पैसा लगा रहे हो आप लोग, अगर मेरा वीडियो इसके माँ बाप देख रहे हैं भैया गलत पैसे लगा रहे हो अपने बच्चे पे, अपने बच्चे को कुछ और करा लो, सीएसएस ना कर पाएगा ये, क्योंकि इसकी नॉलेज देख लो, इलॉजिकल बातें करता है। अब पता नहीं आप क्या, हो सकता है सीएसएस के एग्जाम में इंटरव्यू इलॉजिकल बातों को अच्छा माना जाता हो, हमारे यहाँ तो नहीं माना जाता, हमारे यहाँ यूपीएससी में रगड़ दिया जाता है सीधे।
आईफोन गर्म हो रहा है तो भारत में बन रहा है इसलिए गर्म हो रहा है, चाइना में बन रहा था तो गर्म नहीं हो रहा था। सलाम है भाई, तेरे दिमाग को सलाम है बॉस। गुड गोइंग पाकिस्तान, गुड, ऐसे नमूनों को लाते रहिए भाई, बहुत जरूरी है। पता तो चले कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला तो पता चले कि पाकिस्तान ऐसा डूब क्यों रहा है, इन जैसे लोगों की सोच की वजह से डूब रहा है। जब जिस देश के यूथ ऐसी सोच रखेंगे, ऐसी इलॉजिकल सोच रखेंगे, उस देश का क्या हो सकता है। यार मुझे अभी भी हंसी आ रही है कि भारत में बन रहा है तो गर्म हो रहा है, चाइना में बन रहा था तो गर्म नहीं हो रहा था फोन। अरे दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, ये पाकिस्तानी था सीएसएस ऑफिसर, बनने जा रहा है, की तैयारी कर रहा है। वो ये लोग सारे जिस अभी लोग ने जान देने हैं, वो ये लोग सारे कहा कि इसके एनालाइज करने की जो कैपेबिलिटी है वो खुल के सामने आ गई। तो लोग सारे तो भरमार कर दिया आज, सबूत दे दे कर उसको चलने ही नहीं दिया। हर बात पर उसकी सबूत, हर बात पर उसकी सबूत है कि किस तरह पाकिस्तान को उसका इखलाक, एक पढ़े लिखे नौजवान के इखलाक आप चेक कर लो, बात करने का अंदाज ही उसको पढ़ा लिखा नहीं अच्छा है। कुछ बातें उसे अच्छी भी नहीं है, अच्छा होना चाहिए तो फिर अच्छी बातें करके फिर एंड पे या दरमियान में इस तरह की बात कर देना, सारी की सारी बात ही खराब हो जाती है। असल में उसकी बात में कोई लॉजिक नहीं। यकूब भाई, असल भाई आज एक बड़ी अहम बात की है लोग सर ने भी, मैं और भी बड़ी शानदार बातें, कोशिश मैं करूँगा सबको टच करने की। लोगों ने कहा कि जो आदमी की इज्जत होती, पहचान होती है, वो उसका बिहेवियर होता है, ना कि पैसा। आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल, बंदे जिस बंदे का वो रवैया ही नहीं ठीक, इखलाक ही नहीं अच्छा। चल आप इतनी देख लो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे सबका, आप पता नहीं कौन बनेगा, तो उन इंडिया का भी थे, वो जिस जिस कंट्री में भी गए आप देख ले, उसकी जबान देख ले, उसके मिलने का अंदाज देख ले, उसका लहजा देख ले, बोलने का अंदाज, इखलाक और हमारा देख ले। लेकिन आजकल मैंने चीज ये भी नोट की है, पैसा भी बड़ी इज्जत का सबब बनता है। 50-50 बनता है, लेकिन पैसे से इज्जत नहीं बनती। 50-50 कह सकते हैं, पर जिसके पास पैसा है ना, ये मतलब नहीं कि वो इज्जतदार हो गया। हाँ, आज के दौर में पैसे वाले की इज्जत लोग भी करते हैं, झुकते हो, झुकते हैं, सिर्फ पैसे को झुकते हैं। हमारे माशरे में तो ऐसा ही है, लेकिन पैसे से इज्जत नहीं बढ़ती। लिख लो बात, फिर झुकते क्यों इज्जत? अब मैं तुझे बताता हूँ, झुकते पैसे को यार। अच्छा तू मुझे ये बता, मोदी के पास कौन सा पैसा है? कोई इंडस्ट्री, कोई कारोबार लेकर यार, एक कोई दुनिया का उसका कारोबार दिखा दे, उसके पास पैसे ही कोई नहीं। अभी नहीं कोई, हमारे शबाज की है, सरदारी है, फजलू है, महमूद अजर है, उनके कोई पर्सनल सासे हैं, सबके सासे हैं। मुझे एक सासा दिखा दो उसका, कहीं भी दुनिया से बाहर दिखा दो, दुनिया के इंडिया के अंदर दिखा दो, वो इज्जत क्यों है उसकी इतनी? क्योंकि वो वोट जो आवाम ने दिया है ना, उसकी वो कदर कर रहा है, जो आवाम से वादा किया है वादे वफा कर रहा है, जो उनकी कौम को, उनकी आवाम जनता को चाहिए वो दे रहा है, जहां किसी इंडियन को उसकी जरूरत होती वहां वो पहुंच जाती गवर्नमेंट, ये उसका इखलाक अच्छा है। पाकिस्तान हो या इंडिया हो, कोई दुनिया में जहां भी वो, उनके फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, भाई उनका लहजा देखो, दुनिया उसकी कदर करती है, उनकी लहजे की वजह से, इखलाक की वजह से, उन्होंने ये मुकाम खुद अपने इखलाक से पाया नहीं। यकूब भाई, सारी दुनिया को मोदी ने पैसा दे के खरीद लिया है, मेरी तारीफ करो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। बातें बड़ी शानदार थी, वीडियो भी काफी लेंथी थी, मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, आलोक सर ने एक वीडियो चलाई, वो भाई बोल रहा था कि हिंदुओं, मतलब हिंदुओं पर बात है, इंडियंस पर बात है, तो आलोक सर ने जब फिर वो सबूत दिया कि आपकी बुक्स के अंदर, फिर उधर चैलेंज भी किया सबको चलाई, किसी सारे पाकिस्तान को चला जाइए, उस भाई को स्पेशल पॉइंट उठ कर कहा कि तुम अगर एक बाप को ला दो तो आपका, मेरा आपको चैलेंज है कि मुझे कोई इंडियन बुक में एक लफ्ज ऐसा दिखा दो जहाँ लिखा हो कि मुसलमानों के खिलाफ कोई गलत लफ्ज लिखा हो या पाकिस्तान के खिलाफ कोई लफ्ज गलत लिखा हो। तो भाई मैं ये बात बिल्कुल ये यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस तरह आप अपने बच्चे को तालीम देंगे ना, वो आगे बड़ा होकर, आगे चल कर वो उसी तरह का बिहेव करेगा। जब आपकी बुक्स में ये बात सच है, भाई मैं पढ़ा हूँ, आप भी पढ़े हैं, असलम भाई ने भी पढ़ा,
कि हमारे जो मुतालिया की बुक से, वो भाई भी जो बता रहा था वीडियो के अंदर भी, पाकिस्तान की जो मुतालिया की बुक है उसके अंदर बिल्कुल वाजह ये लिखा, मैंने अपने खुद पढ़ा कि हिंदू हमेशा धोखा देते हैं, हमेशा एक तरह उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा, हिंदू स्पेशली हिंदुओं का लिखा है, हालांकि हिंदुस्तान के हिंदू भी थे। क्या मुस्लिम जो है वो धोखा नहीं देते हैं? क्या जो सिख है उन्होंने धोखे नहीं दिए? गलत बात है, नई पीढ़ी भाई, जहाँ जिसका हाथ पड़ जाता है ना वो कमी नहीं आने देता, वो उतना ही हाथ ज्यादा डालते हैं। ये कहना कि हिंदू जो है वो ही सिर्फ है जो दो नंबरी करते हैं, आपने दुनिया में भी माशरे के अंदर भी चलना है भाई, दुनियादारी को ये बताओ जो ईसाई है दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे है ना क्रिश्चियन दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर बंदा किस कंट्री, ईसाइयों का ही नहीं है वो भी, तो एक ईसाई है, ईसाई है ना। दूसरे नंबर पे देख रहे आज अडानी पहुंचा हुआ है, वो एक हिंदू है ना, मुझे हाँ अडानी साहब दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पे मुझे ये नहीं समझ आती किस तरह हमारे पाकिस्तानी बातें कर देते हैं कि हिंदू हमारे दुश्मन हो गए, सिख हमारे दुश्मन हो गए, ईसाई हमारे दुश्मन हो गए। मैं कहता हूं हम खुद अपने दुश्मन हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारा मान है वो ही साफ नहीं, फिर हम लकीर के फकीर, जय लाया गली वो दिल आड़ी चली, बस पैसे को डॉलर को सलूट करते हमारे बड़े भी। और छोटे भाई बात ये है ना कि हम जो है ना ये गलत भाषण देते हैं कि जो हमने किताबों में लिखा हुआ है ना, अपने आने वाली पीढ़ी को जो पढ़ाते हैं ये गलत पढ़ाते हैं। अच्छा वो एक सारे किताबों में लिखा हुआ फर्क ये है, वीडियो के दरमियान एक तर में दिखाया है हमारे पाकिस्तानी बुजुर्ग थे बड़ी उम्र में, वो बता रहे शबर देवी भी थे, वो भी बात कर रहे थे कुछ जंगों के बारे में जिस तरह, वो भी उनके भी एक और बंदा बैठा था शायद नाम मुझे नहीं याद, वो क्या बता रहे थे आपने नहीं सुना वो क्या बता रहे थे? असगर खान की आज शायद बात कर रहे होंगे, पता नहीं नाम का मुझे नहीं पता, असगर खान जी थे। अच्छा फिर वो बुक्स पर बात आई, बुक्स आई, अब उन्हीं बुक्स को पढ़ने वाले यार एक बच्चा स्कूल में जाता है उसको क्या तालीम देनी चाहिए कि यार अपने हमसाओं के साथ अपने तमाम के साथ मोहब्बत से आगे चलो ताकि वो बड़ा होकर आगे मोहब्बत का दरस दे, आगे इंतहा पसंद की तरफ ना जाए। हम वो हमारे बच्चों के बयान सुने यूट्यूब भैया पे, मैं वो बताता हूँ जो वो बंदा बात कर रहा था, उसका मकसद ये था जो किताबें आज के दौर में लिखी जा रही है, आज के 20 साल से वो प्रवेश साहब थे, आज से 20 साल की 30 साल की उनके अंदर आज के दौर की बात कर रहे, जो लिख रहे वो सारे जहर है, वो लिख रहे हैं नफरत, वो इखलास भूल गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत लिख रहे हैं, इनको फिरका वारिद में डाला हुआ है, उसका ये मतलब है इससे बचना पड़ेगा। और एक वीडियो शेर चौधरी ने दुबई के अंदर की, इंडियन मुस्लिम के लड़के और हिंदू भी थे उनके साथ सवाल किया था उनको देख लो, और एक शेम चौधरी ने पाकिस्तान के अंदर वीडियो की वो भी बच्चों से देख लो, फर्क मुझे नजर आ गया। वो दुबई में बच्चे कह रहे थे हमें पाकिस्तान का विजिट करना है, पाकिस्तान हमारा मसाया कंट्री है, हम पाकिस्तान के, उन शेम ने बोला कि आप क्या सोचते क्या खेलना है मतलब पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे? उन्होंने कहा हमारी अच्छी च्वाइस है कि पाकिस्तान भी तरक्की करे, पाकिस्तान के अंदर भी मतलब उनकी सोच अच्छी थी, उनकी सोच। हमारे बच्चे कह रहे थे उसी शेख चौधरी को कह रहे थे कि हमारा दुश्मन है इंडिया, हम इधर लड़ना चाहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान वो पूजा करते हैं वो जिसको मानते हैं उसकी पूजा करेंगे, वो उनकी धर्म है, हम खुदा को मानते हैं, उनकी हमने अपने साथ साथ हमें तो चले हम हो गए या हमसे बड़े जो हो गए उन्होंने तो अपना आप बेड़ा गर्क किया, लेकिन आने वाली नई जो नस्ल है नई पीढ़ी है उसको तो गलत रास्ते पे ना डालें। ये बात इंडिया और हमारे मेरे सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है ना वो यही है, वो अपनी पीढ़ी को अच्छी जो स्टडी देते हैं ना कि अपने नेबर्स के बारे में नफरत वगैरह पालते हैं। अच्छा एक और बात बड़ी शब्बर ज़ादे ने इधर धोती खोल दी पाकिस्तान बोला उसने भाई, शब्बर ज़ादे ने कहा कि किस दुनिया में हो आप कहाँ बैठे हो, उन्होंने कहा इंडिया कश्मीर की बात, उन्होंने कहा भूल जाओ कश्मीर को, कश्मीर हमारे हाथों से जा चुका है, कोई और बात करो। फिर उन्होंने बात की कि हम जंग नहीं करना चाहते, हाँ वो कहते अगर चलो सपोज टू बी कि अगर जंग होती भी है तो क्या होगा, उन्होंने कहा कि आपकी क्या सोच है क्या होगा, उन्होंने कहा उनकी एक कंपनी के जो मालिक हैं एक कंपनी पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा उसकी GDP होगी या रेवेन्यू होगा 365 बिलियन और आपका कितना
347 मिलियन है। उन्होंने कहा कहाँ बैठो, यकीन करें आज शब्बर जादी की बातें सुनकर, परवेज साहब की बातें सुनकर, बड़ी बड़ी आज जो लोग क्लिप दी है उसमें भाई, जितना पैसा टैक्स का, जितना पैसा आईएमएफ का, जितना पैसा सऊदीया कतर चाइना का, वो पैसा अगर लाए ना हमारे मुल्की खजाने में, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना पैसा लूट के मियां मंशा और मलक रियाज जैसे और छोटे मोटे और बिजनेस में लेके भाग गए अमेरिकी कंट्रियों में, जरदारी नवाज शरीफ समेत असली माजवा पापा जॉन जैसे, वो पैसा लेके आए ना पाकिस्तान में, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी सियासतदानों को, और हम अपना उससे काम चला सकते, अपने इदारे स्ट्रॉन्ग कर सकते, इदारे काम करे ढंग से, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो लेके आ नहीं रहे। बजट में सबसे ज्यादा पैसा रखा जाता है दिफा के ऊपर, तो कभी बताए आज तुम्हें, मुझे बताओ कभी परेड के ऊपर, कभी कदाई कहीं भी बताया गया कितना पैसा लगा है, हमने क्या नई चीज मेड इन पाकिस्तानी कोई बनी चीज बनाई है, कोई भी नहीं, कभी कोई मंशूर इनका को बताया भी हमने ये करना है, नहीं हमारा ये मिशन है, या हम यहाँ से वहां पाकिस्तान को ले जाएंगे, इनका एक ही मिशन है। एमपीए ने 3 करोड़ लगाया तो मैंने 5 कमाना है, एमएनए ने 6 करोड़ कमाया तो मैंने 10 करोड़ कमाना है, ये उनका मंशूर भी है, ये नजरिया भी है, ये सोच भी है। मुल्क जाए पहाड़ में तो नीचे आवाम भी ऐसी सोच भी रखती है, बड़े जो खा रहे हैं हमें क्या, हम भी जितना हाथ में हम भी खा लेंगे, तो फिर कंट्री का ऐसे ही हालात होंगे। डीआरडीओ की अच्छे को भी छोड़ दो, डीआरडीओ का क्लिप लगाया हुआ था अंडर पर आलोक सर ने कि हमारे पास क्षमता है, पर हम उसका भी जिक्र किया कि हम मतलब कि मीराज गिरा सकते हैं, क्रूज मिसाइल का बात कर रहे थे। 5,000 किलोमीटर या 500 था, मुझे तो 5,000 ही लगा कि 5,000 इतनी इनकी क्षमता, इतनी ताकत बढ़ा देगी, ये वाकई शौक नहीं। इस पर कोई अलग से मुझे लगता है वीडियो करनी पड़ेगी, मुझे इसके बारे में कन्फर्मेशन या लोग सुनकर कह दिया तो हो सकता है ऐसा भी हो। शानदार थी वीडियो, अच्छा लगा, काफ़ी शानदार बातें भी हुई और पाकिस्तानियों पर अफसोस भी आया, स्पेशली बच्चों की सोच पर भी। मिलता नई वीडियो में नया डॉक्टर साहब, तब तक दीजिए इजाज़त।